एक शख्स की जिंदगी का संघर्ष ट्रक ड्राइवर के रूप में शुरू हुआ। उसके बाद समाज सेवी, उद्यमी, ठेकेदार का काम करते करते वह गरीबों के मसीहा बन गए। इस शख्स का कारोबार देश विदेश में फैला और इसकी चौखट पर क्या IAS और क्या IPS, क्या मंत्री और क्या मुख्यमंत्री, सभी उन्हें सलाम करने उनके घर जाते थे। बुधवार को जब इनका निधन हुआ तो सड़कों पर ऐसा जनवरी सैलाब उमड़ा कि हर कोई देखता रह गया। इन्हें बाड़मेर शहर का जनक भी कहा जाने लगा। राजस्थान में बाड़मेर जिले के तनसिंह चौहान जिला मुख्यालय से महज 18 किलोमीटर दूर जूना गांव का एक लड़का किस तरह अपनी जिंदगी शुरुआत एक ड्राइवर के तौर पर शुरू करता है और देखते ही देखते एक बड़ा व्यापार खड़ा कर देता है। जैसे जैसे समय बीता है तो चौहान के नेताओं और अधिकारियों के साथ दोस्ती बढ़ जाती है। फिर तनसिंह गरीबों की मदद के साथ 36 वर्ग के समाजों के उत्थान का बीड़ा उठाते हैं। इनके दरबार में हर कोई हाजिरी लगाने आते थे, लेकिन ये हमेशा राजनीति से दूर ही रहे। चौहान ने कभी भी राजनीति कार्यक्रमों में मंच साझा नहीं किया। वह हमेशा आम लोगों के साथ नीचे बैठना पसंद करते थे। राजस्थान के जज नेता और बीजेपी के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी बताते हैं कि चौहान ने कई बार बाड़मेर जिले में माहौल बिगड़ा तो उसे सही करने में प्रशासन और पुलिस की बहुत मदद की। शायद इसलिए तो जब राजस्थान के IAS और IPS अफसरों को पता चला कि चौहान की तबीयत खराब है तो महज 4 दिन में 10 से ज्यादा IAS और IPS अधिकारी के साथ ही केंद्रीय मंत्री से लेकर राजस्थान सरकार